हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं जो एजुकेशन्स डिग्री होते हैं उसका फुल फॉर्म बताऊंगा, सभी डिग्रीज का फुल फॉर्म बताऊंगा। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देन आपको बताते हैं। MCA का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसे हिंदी में कंप्यूटर अनुप्रयोग के मास्टर कहते हैं। और BCA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसको हिंदी में कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक कहते हैं। और DCA का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसको हिंदी में कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कहते हैं। और BTech का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको हिंदी में प्रौद्योगिकी में स्नातक कहते हैं। और MTech का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको हिंदी में प्रौद्योगिकी के मास्टर कहते हैं। और BEd का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, इसको हिंदी में शिक्षा में स्नातक कहते हैं। और MEd का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ एजुकेशन, इसको हिंदी में शिक्षा के गुरु कहते हैं। और CC का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, इसको हिंदी में कंप्यूटर संकल्पना पर पाठ्यक्रम कहते हैं। और BBA का फुल फॉर्म क्या होता है? और इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हिंदी में व्यावसायिक प्रबंधन में स्नातक कहते हैं। और FYUGP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, और इसको हिंदी में 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम कहते हैं। और UG का फुल फॉर्म होता है अंडर ग्रेजुएट, इसको हिंदी में स्नातक कहते हैं। और PG का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट, इसको हिंदी में स्नातकोत्तर कहते हैं। और UGC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसको हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं। और BA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसको हिंदी में कला के स्नातक कहते हैं। और MA का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, इसको हिंदी में कला के मास्टर कहते हैं। और BE का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, इसको हिंदी में यंत्र शास्त्र स्नातक कहते हैं। और BSc का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस, इसको हिंदी में विज्ञान का स्नातक कहते हैं। और BCom का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स, इसको हिंदी में वाणिज्य स्नातक कहते हैं। और MSc का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ साइंस, इसको हिंदी में विज्ञान के मास्टर कहते हैं। और MCom का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स, इसको हिंदी में वाणिज्य के परास्नातक कहते हैं। और PGDM का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, इसको हिंदी में प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कहते हैं। और PGDCA का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसको हिंदी में कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कहते हैं। और NIT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको हिंदी में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं। और GPA का फुल फॉर्म होता है ग्रेड पॉइंट एवरेज, इसको हिंदी में ग्रेड बिंदुओं का औसत कहते हैं। और CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसको हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहते हैं। और NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसको हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद कहते हैं। और PhD का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, इसको हिंदी में चिकित्सक के दर्शन शास्त्र कहते हैं। और TGT का फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसको हिंदी में परिशिक्षित स्नातक शिक्षक कहते हैं। और PGT का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसको हिंदी में स्नातकोत्तर शिक्षक कहते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।